बैठ जाओ। चलो पहले हमको ये बताओ, सबको फॉर्मूला याद करने दिए थे? याद भी कर लिया है? सबसे पहले 5 मिनट उस पर काम कर लेते हैं ना ऑपरेशन, उसके बाद बताते हैं। चलो सर तुम ही पहले बताओ, तुमने पहले बताओ, लड़का लोग को चोट लग जाता है। बताओ गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? गोला वृत्त के परिधि क्या होता है? के परिधि क्या होता है? तीनों हाथ निकालो बाहर। गोला का क्षेत्रफल 4πr2। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल πr2। वृत्त के परिधि 2πr। अर्धगोला की आयतन, हाँ तुम बता दो, वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल, हाँ हाथ निकालो, धन के क्षेत्रफल एबी स्फीयर का क्षेत्रफल, पता नहीं क्या होता है एबी स्फीयर, मतलब क्या होता है धन का क्षेत्रफल, तो एक पता आप निकालो, तो ऐसे करो ना, ये आप निकालो क्षेत्रफल कुछ रहे अधिकालो पाया अधिकालो अधिकालो अभी से हाथ गोला का वक्र क्षेत्रफल तो पाए अधिकालो आयत का पेरिमीटर बताओ परिवर्तन की पूरा नाम क्या है? अवकलज के अनुपयोग एवं राशियों में परिवर्तन की। देखो तुम लोग को एक बात बताते बाबू, सबको बोले थे टारगेट ले लेने के लिए, बोले हैं ऑब्जेक्टिव वाला सब लेना टारगेट, क्या लोग नहीं, और साथ ही साथ हम बोले थे क्या चीज क्वेश्चन बैंक लेने के लिए, क्वेश्चन बैंक भी लेना तो एक ही प्रकाशन का सब लेना, इन्हें अलग अलग लेना, उपहार का तो उपहार का, टारगेट का टारगेट, तो जो लेना एक ही लेना, कोई लिया क्वेश्चन बैंक अभी? कोई भी नहीं, तो लेना तो टारगेट का क्वेश्चन बैंक लेना, अगर टारगेट नहीं मिलेगा तब लेना उपहार का, ठीक है? अब कैसे पढ़ूं लोग, अभी उन्होंने मिलेगा, ये दोनों लेना। सुनो ऑब्जेक्टिव में पहला चैप्टर का नाम है लाइट, क्या है लाइट? लाइट में हो सकता है 200 या 250 क्वेश्चन रहे, 1780 हुआ पहला चैप्टर विद्युतीय क्षेत्र है, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स है ना प्रकाशिकी, अच्छा ठीक है आज नहीं देते हैं, कल लेकर आना सब लोग अपना अपना टारगेट बुक, ठीक है कल हम उससे होमवर्क लगाएंगे, समझ में आया?
कल सबके पास टारगेट होना चाहिए, कल हम वहां से बताएंगे तुम लोग, क्योंकि खुद से हम देख रहे हैं किसी पर स्टील नहीं करता और उस पर वो मोटा इससे छोड़ने लगता, मोटा पंप लाना स्टील पर। चलो इसमें एक्सरसाइज कितना ये है, 14.1। कितना क्वेश्चन हो गया था, चार को हो गया था, पांचवा चार को था, 20 तक बनाने बोले थे, हुआ था चार ही ना। चलो पांच से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है राशियों में परिवर्तन किधर, तो मतलब कोई भी चीज किसके अनुसार बदलता है, समय के अनुसार। सब लोग यही जानते हैं कोई भी बदलता है किसके अनुसार, समय। तो जितना भी इसमें एरिया क्षेत्रफल सब बदलेगा किसके अनुसार, समय के अनुसार। तो करना कुछ है, कल समझा दिए थे, क्वेश्चन ला और क्लियर होगा, क्वेश्चन ला ना, कोई फोटो नहीं खींचा है। अगर मोबाइल से फोटो निकल जाएगा पांचवा, कारण एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से दर से बढ़ रही है, तो बता त्रिज्या बढ़ रही है ना, तो त्रिज्या बढ़ रही है यानी dr बटा dt कितना दिया हुआ, 5.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। कारण इसकी परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात करें, जब त्रिज्या कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर। परिधि की दर ना करा, अरे नहीं, क्षेत्रफल की दर बताना, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताना। तो बताओ हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को सूचित किससे करते हैं, एरिया माने क्षेत्रफल, तो ये लिखेंगे। तो बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप बताओ परिवर्तन की दर पूछ रहा है, तो कोई भी बदलेगा किसके अनुसार, तो डी ए बाई डी टी बराबर डी पाई आर स्क्वायर बटा डी टी। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आई के टाई, हाँ यानी समय। तो बोलो पावर का पहले करेंगे, तो पावर का गुणा करेंगे 2 पाई आर, पावर का नियम। अब किसका करेंगे, आर का, तो आर का डी आर बटा डी, तो 2 पाई आर का वैल्यू 6 और डी आर बटा डी टी के वैल्यू 5.5। क्षेत्रफल है ना, तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, गुणा भागा करके आंसर, दशमलव बटेगा, दशमलव बटेगा, इसे जानता है रे, इसको काटो 5 दूना 11 5 ग्यारह चौके 66 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। बता त्रिज्या जो बढ़ रहा है कितना के दर से, लेकिन क्षेत्रफल जो बढ़ रहा है कितना के, 66 पाई। नोट दी कॉपी बेटा दो अंकल, समझ में आया, हम बताओ तुम लोग हमें नंबरिंग बता दो, बता छह किसी को पूछना है, क्वेश्चन नंबर कितना, 7 है ना, करा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार डिस्क को गर्म किया जाता है, प्रसरण क्रिया की त्रिज्या कितना बढ़ रहा है, देखो रेडियस दिया हुआ है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर। तो मतलब कोई भी चीज को गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद वो फैलेगा, तो फैलेगा यानी त्रिज्या फैल रहा है इसका, डी आर बटा डी टी कितना फैल रहा है बताओ, 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तब कह रहा है जब त्रिज्या इतना है तो इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ना, जब इसका रेडियस कितना कह रहा, रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल बताना। देखो ध्यान से समझो, कोई वृत्त था मेरे पास, कोई वृत्त था जिसका रेडियस पहले कितना था, 3 सेंटीमीटर, कितना था 3, जब इसको हम गर्म कर रहे हैं ना तो त्रिज्या जो बढ़ रहा है इतना की रफ्तार से बढ़ रहा। अब हमारे पास कोई दूसरा वृत्त है जिसका रेडियस कितना है, 3.2 सेंटीमीटर, तब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालो, तो सब फिगर उगर नहीं देखना, डायरेक्ट बताओ लिखेंगे चुकी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बोलो तो वृत्त को क्षेत्रफल को किससे लिखेंगे, ए से, तो ए मतलब पाई आर स्क्वायर, इसको परिवर्तन की दर तो डी ए बटा डी टी, तो बोलो डी पाई आर स्क्वायर बटा क्या लिखेंगे, बोलो डिफरेंशिएशन करो, तो 2 पाई आर इंटू डी आर बटा, अब लिखेंगे 2 पाई आर,
आर के मान अभी नहीं लिखते हैं, डी आर बटा डी टी कितना है बताओ, 0.05 क्षेत्रफल है ना, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब तुम लोग बताओ आर ई वाला रखाएगा की ई वाला, कौन वाला, ये नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं नीचे वाला, क्योंकि कह रहा था कि कितना से बढ़ रहा है और त्रिज्या इतना दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना है 3.2। आर ई जैसे सुअर का पखाना होता है, कोई पूजा मुझका यूज होता है नहीं, वही वो दिया हुआ है। अब इसको हल कर दो, ए नी पे पोते सौ गया, काटो इसको 20-25 काटो इसको 5 दुनी और कटेगा 16 दुनी 32 और काटो 10 दुनी आप काटो 4 से 8 5 और कटेगा नहीं, तो 8π/5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, नोट करो पाई नहीं दे रहे हो हम छोटे एक कुल मना ली इधर इसको आगे बोलो, और कोई बोलेगा कि हम अपने मन से बताऊं 7 के बाद 10 इसमें तो क्वेश्चन निकालेंगे तब तो ला बुक ला तू उधर से दस पूछा कोई क्या पहले 10 अंदर की 11 था पहले 11 एक घर की पेंसिल से कौन घेर कर दिया है पहले से था एक घन का आयतन वॉल्यूम दिया हुआ है इतना की दर से बढ़ रहा यानी आयतन बढ़ रहा डीबी बटा डीटी 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई यानी घन की भुजा दिया हुआ है, भुजा कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तब कह रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा यानी ए निकालना है, डीए बटा डीटी बराबर यही ना। चलो आप समझो, घन का आयतन बढ़ने की दर दे दिया यानी घन के आयतन कितना किधर से बढ़ रहा 9 सेंटीमीटर कितना सेकंड से, भुजा कितना दिया हुआ 10, तब हमसे कह रहा है इसका बढ़ने की दर निकालो, तो बताओ घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन के क्षेत्रफल भुजा के की होता है 6 गुने अच्छा, तो भुजा को क्या मानते हैं, मन में ये मानते हैं कि नहीं, तो क्या लिख देंगे ए स्क्वायर, तो क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं ए, क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं ए, बटा डीटी होगा ना। अब तुम लोग बताओ तो जरा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 6a² / dt यही ना, तो पहले पावर को करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 12 ए, अब ए को करेंगे डीए बटा एनी प्रॉब्लम, यानी डीए बटा क्या चाहिए डीटी यानी भुजा में परिवर्तन की दर, भुजा में परिवर्तन की दर हुआ तो क्या तुम्हें भुजा में परिवर्तन की दर दिया हुआ है नहीं, तो हम तो पहले ही बताए हैं जो दिखता है वही बिकता है, बोले थे कि नहीं, तो जो दिया हुआ है उसी में भुजा में परिवर्तन की दर भी है, कैसे देखो आज इधर लिखेंगे, चूंकि बता दो घन की आयतन, आयतन को क्या लिखते हैं भी क्या होता है भुजा की होता है, बताओ घन की आयतन, आयतन नहीं बल्कि घन में परिवर्तन की दर लिखते हैं यानी डीवी बटा क्या जी डीटी, डीवी बटा डीटी, तो घन की आयतन ना लिख करके हम लिख सकते हैं घन की आयतन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, तो बोलो कितना दिया हुआ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बोलो घन की आयतन क्या होता भुजा की, भुजा की माने डी ए क्यू बटा डी टी, इसका बोलो डिफरेंशिएशन करेंगे इधर वही रह जाएगा, डिफरेंशिएशन करो 3a² / dA/dt बराबर क्या होगा वही हो जाएगा, यानी वही मतलब कितना है नहीं। अच्छा तुम लोग बताओ तो 3a का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो दब दें के 100,
डी ए बटा क्या जी बराबर कितना नाइन, तो ये कितना आ गया 300। तो डी ए बटा डी टी बराबर 9 बटा कितना हो जाएगा 300, क्योंकि गुना में त्रिधर। तो बोलो डी ए बटा डी टी का मान निकाल लिया, डी ए बटा डी टी के मान निकाल लिया कितना आया, बोलो डी ए बटा डी टी का मान 12 गुने ए का मान पहले बताओ 10 और डी ए बटा डी टी के मान बताओ 9 बटा कितना, इसको काट दो हाँ काटो 15 और 6×5 18 बटा कितना होगा 5, क्षेत्रफल निकाला ना तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, आया समझ में। तो बताओ सबसे पहले हम धन की आयतन में परिवर्तन की दर से क्या चीज निकाल लिए, भुजा में परिवर्तन की दर, क्या निकाले भुजा में परिवर्तन की दर। अब देखे घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6×, भुजा स्क्वायर। बोलो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमने क्या लाया 12 ए बटा डी ए बटा डी टी, तो 12 ए का वैल्यू कितना 10, डी ए बटा डी टी का मान कितना लाया 9 बटा 300, 18 बटा कितना गया 5। तो सबसे पहले कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, उसके बाद पहले ब्लू लिखना, ये लिखना है ब्लैक, उसके बाद ये, उसके बाद ये।